बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, देयर इज मुबशर रियाज़ योर फिजिक्स टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैन बी स्टेटेड एज द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। यानी अगर एक ऐसा सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जा रही हो तो उस सिस्टम का टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन विल रिमेन सेम। जितना उसका मोमेंटम टकराने से पहले होगा वही कुछ उसका मोमेंटम टकराने के बाद होगा, बट देयर शुड बी नो एक्सटर्नल फोर्स। सो हियर व्हाट इज मेंट बाय एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टम व्हिच इज नॉट सब्जेक्टेड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम। जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जा रही हो सच अ सिस्टम इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ गैस इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दे ऑल आर मूविंग रेंडमली। वी नो दैट ड्यूरिंग देयर मोशन दे कोलाइड विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। कि जब ये मूव कर रहे होते हैं मॉलिक्यूल्स तो ये एक दूसरे के साथ भी टकराएंगे और उस कंटेनर की वॉल्स के साथ भी इनकी कोलिजन टेक प्लेस होगी। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस कोलिजन, देयर इंडिविजुअल मोमेंटम मे चेंज बट द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ हम इस सिस्टम पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, जो भी चेंजेस हैं वो इंटरनल चेंजेस होंगी और इंटरनल चेंजेस के रिजल्ट में इनका इंडिविजुअल मोमेंटम तो चेंज हो सकता है लेकिन सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देन सच अ सिस्टम इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम व्हिच इज नॉट सब्जेक्टेड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। लेट मी एक्सप्लेन दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाउ द टोटल मोमेंटम बिफोर अ कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलिजन विल रिमेन सेम। फॉर दिस पर्पस लेट मी कंसीडर एन एग्जाम्पल which consists of two bodies having masses m1 and m2 and they are moving with velocity v1 and v2 respectively. Here v1 is the velocity of first ball whose mass is m1 and v2 is the velocity of second ball and they are moving along the same line in same direction. So let me suppose the velocity of the first ball is greater than the velocity of second ball. Pehli ball ki velocity agar dusri ball ki velocity se greater hai then they will collide with each other and they exert force on each other. In the result of this action and reaction forces the velocity of both objects will change from v1 to v1 prime and v2 to v2 prime. Here v1 prime is the final velocity of first ball after this collision and v2 prime is the velocity of second ball after the collision. So they exert force on each other which is called action and reaction forces. Here the force which is exerted by the first ball on the second ball is वो फोर्स जो पहली बॉल दूसरी बॉल पर एक्सर्ट कर रही है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ एंड इट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन एफ व्हिच इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2 ओवर टाइम टेकन टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। सो हियर इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सेकेंड बॉल माइनस initial momentum of the second ball and this is known as change in momentum with respect to time and it is equal to the force exerted by the first ball on the second ball. This mathematical form can also be written as f multiplied by time t is equal to change in momentum final minus initial. So this is equation number 1 which is the force exerted by first ball on the second ball. Similarly, the force exerted by second ball on the first ball, which is called reaction force.
दूसरी बॉल जो फर्स्ट बॉल पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है दैट कैन बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग द सेम मैथमेटिकल फॉर्म एफ प्राइम एंड इज इक्वल टू एम वन वी वन प्राइम माइनस एम वन वी वन ओवर टी. हियर एम वन वी वन प्राइम इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉल एंड एम वन वी वन इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉल and t is the time taken and this mathematical form can also be written as f prime multiplied by t which is equal to change in momentum final minus initial m1 v1 prime minus m1 v1. So we have two equations. One of them is the force which is exerted by the first ball on the second ball and second is the force which is exerted by the second ball on the first ball. So in next step, by adding both forces, by adding equation number 1 and equation number 2, we can obtain F multiplied by T, which is left hand side of equation number 1, plus F prime multiplied by T, which is left hand side of equation number 2. And it is equal to left side of equation number 1 plus right side of equation number 2. So m2 v2 prime minus m2 v2 plus m1 v1 prime minus m1 v1. Left side there is a common factor which is time t. Hence by taking common t, f plus f prime multiplied by t is equal to m2 v2 prime minus m2 v2 plus m1 v1 prime minus m1 v1. Since these forces are equal in magnitude but opposite in direction according to Newton's third law of motion, they exert an equal force on each other but opposite in direction. Hence we can write f is equal to minus f prime. Negative sign shows that these forces are equal in magnitude but opposite in direction. Hence, we can replace f prime with minus f or f with minus f prime. So, in next step, we can write f minus f, where f prime can be replaced by minus f into time t, and the right hand side will remain same m2 v2 prime minus m2 v2 plus m1 v1 prime minus m1 v1. Since they are equal in magnitude but opposite in direction, so they cancel out each other and left side becomes 0. And the right hand side will remain same m2 v2 prime minus m2 v2 plus m1 v1 prime minus m1 v1. So in this step, we can write both factors which are the initial momentum of first ball and the initial momentum of the second ball in the form of m1 v1 and m2 v2. In dono factors ko hum left side par shift kar denge. So after shifting them they become positive and we can write m1 v1 plus m2 v2. Here m1 v1 is the initial momentum of first ball, m2 v2 is the initial momentum of second ball. On right hand side there is final momentum of the first ball plus the final momentum of second ball. So left hand side can be written as the total momentum of both objects before this collision, and m1 v1 prime plus m2 v2 prime can be written as the total momentum of both objects after this collision. Hence, according to statement of the law of conservation of momentum, we can say that total momentum before this collision is equal to total momentum after the collision. So which is the statement of law of conservation of momentum. Lihaza kisi bhi isolated system ka total momentum before collision and after collision always remain same. But there should be no external force. अगर एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट हुई तो फिर उस सूरत में
टोटल मोमेंटम बिफोर कुलियन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कुलियन ये एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकेंगे. सो इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स वी कैन प्रूव दैट टोटल मोमेंटम बिफोर कुलियन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कुलियन. सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. हियर इज व्हाट इज मेंट बाय कुलियन. कुलियन क्या है. सो कुलियन कैन बी डिफाइंड एज द इंटरेक्शन ऑफ टू बॉडीज इन विच दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर. दो बॉडीज का ऐसा इंटरेक्शन जिसमें ये एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर सकती हैं. दिस इंटरेक्शन इज नोन एज कुलियन. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ कुलियन कॉल्ड इलास्टिक कुलियन एंड इनइलास्टिक कुलियन. सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक कुलियन एंड इनइलास्टिक कुलियन. Elastic kulyan can be defined as the type of kulyan in which kinetic energy as well as momentum of the system remains constant is called an elastic kulyan. So the type of kulyan in which kinetic energy and momentum of the system remains constant. Yani aisi kulyan jisme system ki kinetic energy tikrane se pehle aur tikrane ke baad same rahe. This type of kulyan is called elastic kulyan. But in case of an inelastic kulyan, the total kinetic energy of the system does not remain constant. Inelastic kulyan mein kinetic energy constant nahi rahegi, but momentum will remain same in both elastic kulyan as well as inelastic kulyan. So in these type of kulyans, momentum will remain same, but kinetic energy in elastic kulyan will remain same. And in case of inelastic kulyan, kinetic energy of the system does not remain same. And we can explain them with the help of an example. Let we have a hard ball. So when a hard ball is dropped on the marble floor, क्या आप एक hard ball को एक marble floor पे drop करते हो? अगर तो वो बॉल ड्रॉप होने के बाद जब रीबाउंस होगी तो आफ्टर रीबाउंसिंग इफ इट रीचेस टू इट्स एक्चुअल पोजीशन देन वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ कुलियन इज एन इलास्टिक कुलियन. इफ बॉल कम्स बैक टू इट्स प्रीवियस पोजीशन आफ्टर रीबाउंसिंग देन दिस टाइप ऑफ कुलियन इज कॉल्ड इलास्टिक कुलियन के जिसमें वो बॉल जमीन से रीबाउंड होने के बाद वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन रीगेन कर रही है तो आप इस कुलियन को इलास्टिक कुलियन बोलेंगे. बट इन केस ऑफ इन इलास्टिक कुलियन फॉर एग्जांपल लेट वी हैव टू टेनिस बॉल एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर. एक बॉल को एक साइड से सेकेंड बॉल को दूसरी साइड से आप थ्रो करते हो एंड दे कोलाइड विद ईच अदर. After this kulyan, they will not come back to their actual position. इस कुलियन के बाद ये बॉल वापस अपनी एक्चुअल पोजिशन पर नहीं पहुंच पाएंगे. सो दिस टाइप ऑफ कुलियन इज कॉल्ड इन इलास्टिक कुलियन. वेयर एज इन केस ऑफ इलास्टिक कुलियन द टोटल काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम. सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कुलियन. अगेन इलास्टिक कुलियन इन विच काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट. But in case of an inelastic kulyan, only momentum will remain same and kinetic energy will change. Kinetic energy mein hamesha change aa jayegi in case of an inelastic kulyan. Thank you.